नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco 95G वर्सेस Oppo Reno 6 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 95G में 6.48 इंच जबकि 6 Pro 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 95G से कम है। विड्थ की बात करें तो 95G में 3.04 इंच जबकि 6 Pro 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 95G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 95G में 0.33 इंच जबकि 6 Pro 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 95G में 207 ग्राम जबकि 6 Pro 5G में 177 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 95G में 19:8:9 जबकि 6 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 95G में 6.78 इंचेस जबकि 6 Pro 5G में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 95G में 87.51% जबकि 6 Pro 5G में 88.56% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 95G में 388 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 6 Pro 5G में 402 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 95G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 6 Pro 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 95G में Adreno 730 जबकि 6 Pro 5G में Mali-G77 MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 95G में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 और 6 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200 MP6893 मिलता है। बात करें RAM की तो 95G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि 6 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 95G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 6 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 95G में Android V12 जबकि 6 Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी 95G में 4700 mAh जबकि 6 Pro 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 95G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 54,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 6 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 39,680 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो IQOO 95G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 6 प्रो 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T 5G है, दूसरा Oppo Reno 5 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy S21 FE 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।